हाँ सर्विस है, हाँ फर्स्ट सर्विस। भाई चाय भी आ गई यहाँ पे, लगी हमारी बिल्लो रानी सामने। सो गाइस ये है लोहे की पीस। लो भाई बाइक इज ऑलमोस्ट रेडी, एंड भगा के देखते हैं भाई कितना पहुँच रही है कितना नहीं। वो एक कहावत होती है ना, वेक फ्रॉम डेथ रिटर्न टू लाइफ। थोड़े टाइम पे इसका रिपेंट करवा देंगे रिकॉर्ड के साथ, कह सकते हो ना। अभी भी नई मार्केट में बाइक आ रही है ना 400 cc की, ये किसी भी बाइक को हरा देगी। सच अ लेजेंडरी बाइक ऑन दिस प्लेनेट। तो अभी दिखाता हूँ कौन सी नॉइज आ रही है इसमें से, जैसे एसी वगैरह ऑन करूंगा ना मैं। ये देखो भाई सारा सामान डल रहा है सर्विस के लिए, एंड चाहेंगे भाई हमारे बगर लेके आए हमारे खाने के लिए। तो है यूट्यूब, हाउ आर यू डूइंग गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो राइट नाउ अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में, जैसे कि तुमने देख रखा होगा पिछले ब्लॉग में मैं चंडीगढ़ में आ गया हुआ था। एंड मौसम देख लो यार कितना खतरनाक मौसम हो रखा है, पूरा फोगी सा मौसम है एंड बहुत ठंड है भाई। बट चलो आज सोनिक का हो गया 1000 kilometers क्लॉक, तो 1000 kilometers में जैसे आप लोगों को पता है कि बैक टू यूट्यूब, तो जैसे आप लोगों को पता है इसका न्यू इंजन डला हुआ था, तो नई बाइक्स का 1000 पे सर्विस होता है, तो अभी 1000 kilometers हो चुके हैं इस बाइक के, सो अभी सर्विस के लिए लेके जा रहे हैं इसको। सो अभी देखते हैं कैसे कैसा रहता है प्लान। आज ठंड बहुत थी, बट एनीवेज यार बाइक का 1000 clock हो गया, तो मैं नहीं चाहता था कि 1000 के ऊपर इसको चलाऊं, क्योंकि अब इसके अंदर पूरा वो मटेरियल पड़ा होगा घिस घिस के जो भी रहता है पिस्टन का, तो सारा नीचे जमा हो गया होगा वो, तो अभी इसको निकालना भी ज़रूरी है, तो वो ऑयल पूरा चेंज होगा, न्यू ऑयल डलेगा। सो बस ये क्विक अपडेट था, वैसे तो बहुत गंदी हालत होगी इस बाइक की। ये देखो धुआं वगैरह देखो कितना मार रही है अभी ये। सो ये यार बंद हो गई मेरे से। सो ये सुबह के टाइम पे ना कार्बन जमा हो जाता है बाइक के अंदर, तो ये सारा कार्बन जल जल के निकलता है बाहर जिससे धुआं मारते हैं। बट एक बार दिखा भी लेंगे यार, एक्चुअल में ज़्यादा धुआं मार रही है बाइक। यार सच बोलो ना, काफ़ी दिनों के बाद मोटर ब्लॉक स्टार्ट किया है मैंने, तो काफ़ी टाइम हो गया था यार, लाइक एक ही महीना तो हो गया मेरे को मोटर ब्लॉक किए हुए। काफ़ी टाइम के बाद गोप्रो चलाया, एंड यार चंडीगढ़ का वेदर देखो तुम लोग, अपने हिमाचल में ऐसा रहता ना सीन कि धूप वगैरह तो निकलती है थोड़ी बहुत। फिर आज इसकी एयर टेस्टिंग करेंगे इंजन के अच्छे से, भगाबू के देखेंगे भाग रही है बाइक की नहीं भाग रही है। उन्होंने तो मेरे को मना किया हुआ था कि 70 के ऊपर नहीं लेके जानी है ये बाइक, तो 70 के ऊपर मैं लेके भी नहीं गया एक बार भी इसको, इतना पैसा लगा हुआ है मेरा तो मैं क्यों ही लेके जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक फिर से खराब हो। एंड फिर उसके बाद चलते हैं बेला को लेके, बेला के भी सर्विस करवानी है, तो जैसे इसका काम निपटता है 2-3 बजे तक इसका काम निपट जाएगा, फिर उसके बाद हम बेला को लेके चलेंगे, क्योंकि आजकल विंटर्स का मौसम है यार। और हाँ इंजन बेल्ट भी उसकी ठीक करवानी है, तो बहुत आवाज़ करती है यार जब भी उस गाड़ी को चलाते हैं ना, तो सारे लोग देखते हैं फिर यार ये चूँ चूँ आवाज़ करने लग पड़ती है। बहुत तगड़ा ठंडा मौसम हो रखा है, ऐसे लग रहा है कि मनाली में चला रहा हूँ भाई बाइक को मैं, तो आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, दिल से बहुत खुश हूँ मैं। काफ़ी टाइम से इसका इंतजार कर रहा था कि बाइक की सर्विस करानी कब, जैसे इसके 1000 kilometers क्लॉक होंगे, अभी 1000 पूरे हुए भी नहीं है, मैं देखता हूँ कितना हुआ, 970 kilometers हुए हैं। पहुँच गए भाई KTM शोरूम चंडीगढ़, शुक्र है ज़्यादा बाइक्स नहीं लगी हैं। और भैया कैसे हो, ठीक हो, सर्विस आ गई भाई इसकी, 1000 हो गए, रीबिल्ड करवाई थी ना आपसे। यार भैया सुबह के टाइम पे धुआं बड़ा निकाल रही है ये, सुबह टाइम निकाली बड़ा ही ज़्यादा निकाल रही है ना, कोई भी गाड़ी उसकी निकाल दे। अच्छा चलो देख लेना सर्विस, ठीक है सर्विस है, हाँ सर्विस है, हाँ फर्स्ट सर्विस। सो गाइस ये लग पड़ा है सोनिक का काम पूरा, तो अभी दिखाता हूँ मैं इसके ऑयल में ना जो पार्टिकल्स मैं बोलता हूँ तुम्हें वो निकलते हैं। भाई चाय भी आ गई यहाँ पे, चाय भाई भी चाय इंजॉय कर रहे हैं अपनी, सेवा पानी ठीक करते हैं KTM वाले यार। सो गाइस ये है लोहे की पीस, दिख रहे हैं तुम्हें छोटे छोटे से, ये इंजन घिसता है, जितना भी जाली में फंसा हुआ ना ये लोहा है। सो गाइस डन विद द फर्स्ट सर्विस, चलो भाई चलते हैं इसको लेके, एंड भगा के देखते हैं भाई कितना पहुंच रही है कितना नहीं। जो मैंने तुम्हें दिखाया ना वो एक फ़िल्टर था ऑयल का, तो जितना भी वो चिप्स वगैरह निकलती है ना बाइक से वो वहाँ पे स्टक हो जाती हैं उसमें, तुमने देखा होगा कितना ज़्यादा मेटल चिपका हुआ था यार उस पर। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये मिथ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नई बाइक्स ले लेते हैं और उसको पूरा भगाने पे लग जाते हैं वो स्टार्टिंग पे। हाँ मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी आजकल बहुत हाई हो गई है, बहुत रिफाइंड पीसेस में आ रहे हैं इंजन पार्ट्स वगैरह, आजकल वो इतना सीन रहता नहीं है पहले की गाड़ियों में होता था। अपनी बाइक को नई भगाना चाहिए स्टार्टिंग में, 1000 kilometers तक हर एक कंपनी ने रेंज रखी होती है। आ जा रहा है भाई लोग इसको भगाने का मजा, सेक्सी भाग रही है भाई, सेक्सी भाग रही है। जैंग थोड़ा बैठा हुआ ना पीछे, नहीं तो मैं और भगाता।
सो गाइज फाइनली बैड बॉय इज रेडी एंड ये पूरा भागने के लिए तैयार रह रहा है। काफ़ी अच्छी भाग रही है यार, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक्चुअली में चैंग भी बैठा था ना पीछे, तो ज़्यादा नहीं भगाई। वो एक कहावत होती है ना, वेक फ्रॉम डेथ रिटर्न टू लाइफ, तो वही इसके साथ वो हो चुका है सारा सीन। सो मर चुकी थी ये बाइक पूरा, इसका इंजन पूरी तरह से डेड था, नया इंजन डाल दिया, पूरा रिबिल्ड करवा दी, अब नया इंजन आ गया वापस से। एंड पूरा जैसे मैंने नया खरीदा था ना ये जब भी बाइक, तो वैसे ही इसका इंजन परफॉर्मेंस है अभी, एंड वैसे ही स्मूथ इंजन हो चुका है, ऐसे लग रहा है नया ही बाइक है। बस अब इस थोड़े टाइम पे इसका रीपेंट करवा देंगे, ये दोनों रिम्स एंड जो चैसी है इसकी यही कलर करवाएंगे पूरा ओरिजिनल जो KTM का आता है, और अच्छी किसी वर्कशॉप में कराएंगे जहाँ पे पेंट बूथ वगैरह रहते हैं ताकि पेंट अच्छे से पक सके, अच्छे से फिनिशिंग आए जैसे कंपनी से आती है। और जो इसके प्लास्टिक पार्ट्स है ना ये सारे रिमूव करवा दूंगा एंड इनका स्पेयर रख लूंगा और नए एकदम प्लास्टिक पार्ट्स लगवाऊंगा, सारे टैंक लगेगा, फाइबर्स लगेंगे सारे, एंड जितने भी फेडेड पार्ट्स है ना इनको रिकवर नहीं कराना मेरे को, पूरा नया पार्ट्स डालने हैं। तो लगाएंगे अभी थोड़े टाइम पे पैसे इस पर, बट इस बाइक को न्यू रखेंगे, इसके जैसी बाइक कहीं पे भी नहीं है मार्केट में। मैं आज भी रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूँ ना, अगर कोई भी नई मार्केट में बाइक आ रही है ना 400cc की, मेरी बाइक के साथ रेस लगा के देख लो, ये किसी भी बाइक को हरा देगी। सबसे ज़्यादा हॉर्सेस इस बाइक में है, सबसे अच्छी पिकअप इस बाइक में है, 2017 मैन्युफैक्चर्ड है ये, आज में मैं लिख के ये कह सकता हूँ। उस तारीख से लेके आज के डेट तक कोई भी बाइक ले आओ इस बाइक के सामने, कोई भी बाइक इसको बीट नहीं कर पाएगी 400cc में, मैं कह रहा हूँ। और अगर 1000cc भी आ जाए ना ये पिकअप में उसको हरा देती है, पिकअप के बाद वो हरा देगी इसको। बढ़िया ऐसी बाइक है भाई, दानव है ये, 1000cc को भी पिकअप में हरा दे ऐसी बाइक है भाई ये PS3, सच अ लेजेंडरी बाइक ऑन दिस प्लेनेट। इसका कोई तोड़ नहीं अभी तक, कोई भी तोड़ नहीं है इस बाइक का, तो इसलिए ही मैंने इसको रीबिल्ड करवाया। मेरे को पता है मैंने आप ऐसे लगा के नई बाइक ले लेता, बट इसके जैसा फील नहीं आना था भाई, बहुत रो बाइक है ये। गाइस ये लगी है हमारी पहला, तो अभी दिखाता हूँ कौन सी नॉइज आ रही है इसमें से अंदर से। तो सोच रहे हैं कि अभी करा देते हैं यार इसको ठीक ना, जैसे AC वगैरह ऑन करूँगा ना मैं। ये देखो AC ऑन करते हैं ना ये चूँ चूँ आवाज करने लग पड़ रही है। इंटीरियर वगैरह भी पूरा क्लीन कर दिया हुआ था मैंने। इस पहुंच चुके हैं मोटर मार्केट भाई, और ऐसी ऐसी कुछ मोटर मार्केट है भाई यहाँ पे, तो अभी देखते हैं भाई कितने की है बेल्ट इसकी और क्या डलता है सारा सिस्टम। ये निकल गई भाई बेल्ट पुरानी। पहले तो यार गाड़ी में ना बेसिक काम करवाने आया था मैं, बट अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत काम और करवा लेते हैं। एक तो इसके वाइपर की मोटर डलवाई नहीं, तो अब सर्विस करने स्टार्ट हो गया। तो ये पुरानी मोटर, सो अभी नई मोटर डली थी इसमें, कई सारा सामान डल रहा है सर्विस के लिए। एंड चैंग भाई हमारे बगर लेके आए हैं हमारे खाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं कर रखा है सुबह से। तो गाइस अभी जस्ट मैं ब्लॉग खत्म करके अभी बैठा हुआ हूँ, सो अभी फाइनल में मैंने एंड वगैरह नहीं किया था ब्लॉग, अभी सोच रहा हूँ कि अभी एंड वगैरह कर देता हूँ ब्लॉग को मैं। एंड बस इतना ही था आज की वीडियो में, तो कुछ ज़्यादा वगैरह शूट था नहीं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं निकलूँगा अब सोनिक को लेकर घर पर, जैसे कि सर्विस वगैरह होगी है तो सोनिक को लेकर चलते हैं, पूरे सैडल बैग्स वगैरह लगाते हैं, हिमाचल लेकर चलते हैं। हिमाचल में थोड़े बहुत ब्लॉग्स वगैरह बनाएंगे, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो मे बी मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग ही आएगा, जो कि मैं धर्मशाला जाऊंगा बाइक को लेके, सो वहाँ पे राइड वगैरह करते हैं धर्मशाला में एंड थोड़ा धर्मशाला की फील वगैरह लेते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, सो ऐसे ही सपोर्ट वगैरह करते रहो, ऐसे ही इवेंट्स वगैरह करते रहो, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दिस इज कैप्टन बाइक ट्रैवल साइनिंग ऑफ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ओरिजिनल की बाइक पोस्ट। बाय बाय।